वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके ही यूट्यूब चैनल में, हिस्ट्री विद मी में। और ये वीडियो जो है ना लूसेंट की जीके डिस्कस होने जा रही है। हम इसके 3 वीडियो बना चुके हैं और ये चौथा वीडियो है। और इस वीडियो में हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? प्रागैतिहासिक काल। तो इसे लिख लेते हैं, एक बार हेडिंग टाइप में डाल देते हैं, प्रागैतिहासिक काल। तो जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा होगा, नहीं पता लग रहा हो तो अभी हम आपको पता लगाते हैं। तो देखो, नाम से क्या पता लगा, प्रागैतिहासिक, इसका संधि विच्छेद अगर आप करते हो तो आपको पता लगता है कि प्राग मतलब पहले और ऐतिहासिक मतलब इतिहास। जो इतिहास के पहले रहा है उसे कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। अब इतिहास के पहले वो क्या रहा है? देखो, इतिहास वो होती है, आपने इतनी इतिहास पढ़ी होगी, लेकिन आज हम आपको इतिहास का मतलब बता देते हैं। इतिहास वो चीज़ होती है जिसका लिखित में हमारे पास कुछ उपलब्ध है, मतलब पुराने ज़माने में ऐसा कुछ हुआ जो कि लिखित में उपलब्ध है, लिखित में, ठीक है, तो वो कहलाती है इतिहास। लेकिन लिखित जब नहीं था तो किसी अन्य मायनों में, जैसे कुछ उपकरण मिले, ठीक है, कहीं कुछ सिंबल उन्होंने बना दिए, तो इस तरह के उन्हें जो मिलता है उसके पहले, इतिहास के पहले के काल को हम क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल। तो इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? प्रागैतिहासिक काल। आपको दोनों में अंतर पता लगे, एक तो इतिहास का मतलब आप जान गए होंगे कि इतिहास क्या होती है, जिसमें हमें लिखित प्रमाण कुछ मिलते हैं, जैसे आपका पुराना साल, आपके पिछले 10 साल सब लिखित हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने 10th किया, 12th किया, सारे सब कुछ हैं, तो सब कुछ ये इतिहास हो गया। और इतिहास के पहले एक चीज़ जब लिखित नहीं होती थी उस काल को हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। तो ये बात होगी प्रागैतिहासिक काल की और इतिहास की, ठीक है। तो अभी हम लूसेंट के पेज नंबर 3 पर चल रहे हैं और प्रागैतिहासिक काल डिस्कस कर रहे हैं। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, ये वीडियो देखने के बाद आप एक बार बुक जरूर खोल के देख लीजिए, तो आपको जीवन पर्यंत तक के लिए हमेशा हमेशा के लिए लूसेंट कन्फर्म हो जाएगी, फिर आप किसी भी एग्जाम में बैठ सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ में, ठीक है। तो अब देखो जो है ना, थोड़े से और आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये प्रागैतिहासिक काल की हमें जानकारी मिल गई। अब हम बात करेंगे आज से कम 30 से 40 हजार साल पहले की, ठीक है। ये होता है प्रागैतिहासिक काल, जब कोई जानकारी वगैरह, लिखित जानकारी हमारे पास नहीं थी। तो आज के करीब 30 से 40 हजार पहले, तो सबसे पहले जो मानव आया वो कौन सा था? होमो सेपियंस। होमो सेपियंस, ठीक है, इसे ही कहते हैं मानव का जन्मदाता, जो है ना, जहाँ से मानव की श्रेणियाँ शुरुआत हुई, मानव में थोड़ा ज्ञान आया, ये सारी चीज़ जिसे कहते हो ज्ञानी मानव, जिसे संज्ञा दी जाती है ज्ञानी मानव की। सर्वप्रथम जो पहला ज्ञानी मानव था वो कौन था? होमो सेपियंस, ठीक है। तो होमो सेपियंस ने ही आज के मानव के जो पिताजी कहो, तो ग्रैंडफादर जो कहना चाहो, वो होमो सेपियंस थे, ठीक है। और ये आज से करीब 30 से 40 हजार पहले, 30 से 40 हजार वर्ष पहले करीब करीब पृथ्वी पर आए, ठीक है। तो पृथ्वी पर आए क्या, इसके पहले की जो है ना श्रृंखला है, पहले पानी में शैवाल वगैरह कुछ कीड़े मकोड़े हुए, फिर छिपकली टाइप के रेंगने वाले जंतु हुए, डायनासोर हुए, फिर कुछ और हुआ, फिर इसी तरह गिलहरी बनी, मंकी बनी, मंकी से धीरे धीरे निर्माण होते थे, होमो सेपियंस का निर्माण हुआ। ये पुरानी कहानी है, कभी और बताएंगे, ठीक है, जो कि लूसेंट के बाहर की है। तो होमो सेपियंस हमारे बन गए, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले जिस ये जो काल है प्रागैतिहासिक काल को, हम इसे 3 भागों में बांट देते हैं, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और पाषाण काल, नव कह दो इसे, नव पाषाण काल, ठीक है। तो जो पुरापाषाण काल का जमाना था, जिसे पूर्व पाषाण काल भी कहते हैं, इसमें आजीविका का मुख्य साधन था शिकार। क्या था? शिकार। ये लोग खानाबदोश जीवन व्यतीत करते थे। खानाबदोश का मतलब क्या हुआ? आज बाहर निकले, एक इन्होंने हिरण मार दिया, घर ले आए, बना के खा लिया, ठीक, कुछ स्टोरेज नहीं है, ठीक है। फिर धीरे धीरे मानव ने विकास किया, आग की खोज हुई। अब देखो, आग का आविष्कार जो है ना इसी काल में हो गया था, पुरापाषाण काल में ही आग का, आग के आविष्कार ने एकदम जिंदगी बदल दी लोगों की। क्योंकि जब आप भुना हुआ कोई चीज खाते हो तो ऑक्सीजन की मात्रा दिमाग के आपके शरीर में ज़्यादा पहुंचती है, और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से आपका मस्तिष्क विकसित होता है, और जब मस्तिष्क विकसित होता है तो कई सारी चीज़ों को सोचता है, करता है, देखता है, सुनता है, ठीक है। तो इससे जो है ना, आग के आविष्कार ने आदमी के, इंसान के जो है ना उन्नति में एकदम रॉकेट लगा दिया,
खुद भी आग वैसे भी रॉकेट में ही निकलती है, आग आग होती है, तो इंसान में भी आग भर दी और उसने ये सारी चीज़ों की शुरुआत करी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आग का आविष्कार कब हुआ था, पूरा पाषाण काल में क्वेश्चंस पूछ लिया थे। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहिए का आविष्कार, पहिए ये आपने देखा होगा गोल गोल, किसी भी फोर व्हीलर टू व्हीलर में कहीं भी देख लो, बड़े मॉडर्न मॉडर्न व्हील मिलते हैं आपको, तो इसका आविष्कार कब हुआ था, नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल में। ठीक है, तो ये हो गई बात। अब देखो ये पहले तो जो लोग थे पुरापाषाण काल में वो खाना बदोश जीवन व्यतीत करते थे। ये कैसे जीवन व्यतीत करते थे, मान लो एक जगह पर रह रहे हैं तो वहाँ के हिरणों को वहाँ के जो और जीव जंतु हैं मार मार के खा जाएंगे, वहाँ कोई बचेगा नहीं, तो मजबूरी इनकी एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये लोग एक जगह पर नहीं रुकते थे। ठीक है, तो जब एक जगह पर नहीं रुकते थे तो ये जो है ना घुमंतु प्रकृति के थे, शुरुआत में बस खाते पीते आगे बढ़ जाते, मार मार के खा खा खत्म कर करके आगे बढ़ते रहते थे। ठीक है, लेकिन जो नवपाषाण काल आया तो इन्हों में स्थायी निवास की प्रवृत्ति जागृत हुई। अब इन्होंने देखा कि ऐसे तुम्हारी ज़िंदगी खत्म हो जा रही है, हम हर रोज जाते हैं, यहाँ खत्म हो गए वहाँ खत्म हो गए, ऐसे भागते रहो, तो इन्होंने क्या हुआ कि जानवरों को पालने का काम शुरू कर दिया। इन्होंने सबसे पहले क्या पाला, कुत्ता। नवपाषाण काल में ये सारी चीज़ें हुई, नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल में खेती करना इन्होंने शुरू कर दिया। खेती कैसे, जब एक जगह पर रुकने लगे तो अपनी ये खेती भी करने लगे, क्योंकि फसलें आने में साल 6 महीने लग जाते हैं, 6 महीने बाद, 2-3 महीने बाद, तो 6 महीने के आसपास तो मान ही लो कोई फसल करी है तो 4-5 महीने में उसका रिजल्ट आता है। तो इस तरह धीरे धीरे ये लोग रुकने लगे। ठीक है, इन्होंने पशुपालन भी शुरू करने दिया, धीरे धीरे दूध इन्हें मिलने लगा। तो सबसे पहले इन्होंने कुत्ता पाला, खैर कुत्ता से कोई दूध नहीं मिला फिर, लेकिन ये जो है ना इनके शिकार में अहम योगदान देता था। आपने देखा हो कुत्ता जो है ना कुछ ऐसा चीज़ दिख जाए तो दौड़ के भौंव करने लगते हैं, तो कुत्ता इसलिए सबसे पहले इन्होंने पाला क्योंकि ये शिकार में इनकी सहायता करते थे। ठीक है, तो कुत्ता सर्वप्रथम पालने वाला पशु रहा है। ठीक है, तो इस तरह ये रहा, तो पालतू पशु कुत्ते को बना लिया और ये सब चीज़ें नवपाषाण काल में सारी चीज़ें हुई। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कि सबसे पहले धातु इंसान ने कौन यूज की। सर्वप्रथम तांबा इन्होंने यूज किया, कौन सी धातु, तांबा। तांबा सर्वप्रथम मनुष्य ने यूज किया, धातु का प्रयोग किया, और उससे बनाए जाने वाला सबसे पहला औजार कौन सा था, कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी, ठीक है, तो कुल्हाड़ी सबसे पहले इन्होंने बनाई। आप जानते होंगे हेक्सा नाम सुना होगा आपने, तो कुल्हाड़ी सर्वप्रथम इन्होंने बनाई। और कुल्हाड़ी के अवशेष कहां पर पाए गए हैं, अति रंपक्कम। ठीक है, तो अति रंपक्कम में सबसे पहले कुल्हाड़ी के अवशेष पाए गए हैं, और तांबा से बनाई हुई कुल्हाड़ी और जो है ना सबसे पहले तांबा के औजार बनाए गए। तो इस तरह ये सारी चीजें नवपाषाण काल में हुई। ठीक है, कृषि का आविष्कार भी हो गया आपका। ठीक है, और जो अन्य उत्पादक क्षेत्र रहे हैं वो मेहरगढ़ जो कि पश्चिमी बलूचिस्तान में पाए जाते हैं, कृषि के लिए सबसे पहले प्राचीन गेहूं बना उगाया गया और जौ उगाया गया। गेहूं सबसे पहले फसल कौन सी उगाई गई, फसल, जौ एंड गेहूं। ठीक है, और सबसे पहले प्रयुक्त अनाज कौन सा था, प्रयुक्त अनाज चावल। अब आप सोच रहे होंगे ये तो मैंने बड़ी अलबेली बात बता दी कि सबसे पहले इंसान ने उगाई फसल जौ की और सबसे पहले अनाज खाया चावल, ये कैसे पॉसिबल है। तो पॉसिबल ऐसे मैं आपको बताऊं कि जो है ना प्रयुक्त अनाज सबसे पहले चावल, इन्होंने क्या घास फूस की तरह ऐसे उगते रहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने चावल का इस्तेमाल तो कर लिया। ठीक है, चावल इधर उग गए, कहीं पानी में उग गए, कहीं ऐसे उग गए, तो उन्होंने इस्तेमाल सबसे पहले चावल किया। लेकिन जो उन्होंने खेती करके उगाई सबसे पहले फसल, जो उन्होंने खेत को जोता बोया, वो फसलें जौ और गेहूँ थी, लेकिन जो सबसे पहले अनाज उन्होंने खाया वो चावल था। तो इस तरह ये दोनों चीज़ें पॉसिबल होती हैं। ठीक है, और कृषि का सबसे पहले उदाहरण कहाँ से मिलता है, कृषि का उदाहरण मेहरगढ़ से मिलता है, मेहरगढ़ से, मेहरगढ़ में खेती के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और कोल्डी हवा एक जगह पड़ती है, कोल्डी हवा में चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कृषि के साक्ष्य पूछे जाते सबसे पहले कहां मिले, तो मेहरगढ़ में मिले, और चावल के साक्ष्य
कोल्डी हवा में मिला। और ये भी बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, सबसे पहले प्रयुक्त अनाज चावल है और सबसे पहले फसल जो उगाई वो गेहूं और जौ की क्रमशः थी। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं, छोटे में क्वेश्चन घूम जाता है और पूरा सवाल आपका गलत हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह ये रही। और भारत में उस युग में अधिकांश औजार पत्थर के बने हुआ करते थे, मोस्टली जो औजार होते थे वो पत्थर के ही बनाए जाते थे। ठीक, क्योंकि पत्थर आसानी से उस टाइम अवेलेबल था, उपयुक्त कहीं भी मिल जाता था पत्थर। ठीक है, मैं एक बात बताऊं आपको, पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज, पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज सर्वप्रथम करी थी रॉबर्ट ब्रूस फुट, जिनका नाम था रॉबर्ट ब्रूस फुट। आप इन्हें फुट के नाम से याद रखिए। इन्होंने सबसे पहले जो पाषाण काल में हथियार यूज होते रहे, जो औजार यूज होते रहे, उनकी जानकारी इन्होंने सबसे पहले की थी 1863 ईस्वी में। सन याद कर ली, ये चीज़ पूछी जाती है तो आप फुट के नाम से याद। जो फुट जी थे, इन्होंने क्या किया, ये अंग्रेजी थे तो क्योंकि तब अंग्रेज का ही शासन चलता, अंग्रेजी शासन था, तो इन्होंने ही पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की थी 1863 ईस्वी में। ठीक है, अब और देखो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था, भारत का सबसे प्राचीन नगर था मोहन जोदड़ो। ठीक है, और इसका सिंधी भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है, ये बात हो गई, इंपॉर्टेंट है। एक चीज और मैं आपको बताऊं कि भारत में पाया जाने वाला एकमात्र कपी मतलब बंदर, जो कुछ कुछ इंसानों की तरह, मतलब इंसानों की तरह दिखने वाला, हाव भाव ऐसे करके, तो भारत में पाया जाना एकमात्र जो मानवाभ कपी है वो कौन सा है, श्वेत भ्रू गिबन करके एक कपी है, मतलब बंदर है, जो कि असम में पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो है ना कपी, मतलब बंदर की तरह दिखने वाला, असम का श्वेत भ्रू गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवाभ कपी है, मतलब मानव की तरह दिखने वाला जो बंदर है एकमात्र, वो असम में पाया जाता है, श्वेत भ्रू गिबन नाम है उसका। ठीक है, तो एक चीज और मैं आपको बताऊं कि इनाम गांव ताम्र पाषाण युग की, मतलब पाषाण काल की एक बड़ी बस्ती थी। ठीक है, तो इसकी जो संस्कृति मिलती है वो जोरवे करके एक जगह है उससे मिलती है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं, तो इसे हम स्केप कर देंगे। ठीक है, भारत में शिवालिक श्रेणी से, कहाँ से, शिवालिक पर्वत जो श्रेणियां हैं उनसे जीवाश्म के अवशेष सबसे पहले मिले थे भारत में। ध्यान रखिएगा, जीवाश्म का प्रमाण सबसे पहले शिवालिक पर्वत जो श्रृंखला है, शिवालिक की जो श्रेणी है, जो पहाड़ी है, उससे सबसे पहले जीवाश्म के हमें जो है ना प्रमाण मिले हैं, सबसे पहले शिवालिक की श्रेणी में। ठीक है, और भारत में मनुष्य संबंधी पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है, मनुष्य संबंधी कि यहाँ पर मनुष्य भी रहे हैं भारत में, वो कहाँ पर मिला, नर्मदा घाटी में मिला है। ठीक है, तो शिवालिक श्रेणियों में जीवाश्म मिले, मतलब कि कोई जीव रहा है, हो सकता है इंसान हो, पशु पक्षी, ऐसा कुछ कुछ भी है, जीवाश्म मिला है, पर मनुष्य होने की जो गारंटी मिली है वो मिली है नर्मदा घाटी में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, नर्मदा घाटी में सबसे पहले भारत में मनुष्य की जो है ना प्रमाण मिला है कि यहाँ मनुष्य रहते रहे हैं, और शिवालिक श्रेणियों से जीवाश्म का। एक चीज और बताऊं मैं, भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले, मतलब कि ये अंग्रेजों के जमाने की बात हो रही है, तब भी आईएएस, भारतीय नागरिक सेवा आईएएस के नाम से जानी जाती है, जिसे आप इंडियन सिविल सर्विसेज भी कहते हो, तो उसके अधिकारी थे रिजले, वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया था। ध्यान है इस चीज का, तो प्रजातीय विभेदीकरण करने वाले प्रथम व्यक्ति रिजले थे। रिजले, इन्होंने क्या किया था, प्रजातीय विभेदीकरण
ठीक है, तो प्रजाति विभेदीकरण करने वाले प्रथम व्यक्ति रिजले थे, जो कि जो है ना आईएएस, जो पुराने ज़माने में जिसे कहा जाता था भारतीय नागरिक सेवा, उसके ये अधिकारी रहे थे, अंग्रेज थे ये, ब्रिटिश के थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली प्रागैतिहासिक काल के बारे में। अब इससे जो आपने पढ़ा, इससे हम एक दो क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे कि आपको याद है कि नहीं, ये चैप्टर समझ में आया कि नहीं। तो देखो, जो मैं सबसे पहले क्वेश्चंस पूछा ये मैं किया करूँगा, जैसे सेशन लिया उसी में लास्ट में जो इम्पोर्टेंट लगेंगे वो क्वेश्चंस आपसे तुरंत पूछेंगे। तो ये बताइए, सबसे पहले क्वेश्चंस ये है कि सर्वप्रथम धरती पर किस नाम का मानव आया जिसे ज्ञानी मानव के नाम से जाना जाता, जल्दी बताइए। टाइम ओवर, होमो सेपियंस जिसे ज्ञानी मानव के नाम से जाना जाता है, जो आज के 30 से 40,000 साल पहले करीब करीब पृथ्वी पर आया था। अब ये बताइए, आग का आविष्कार किस पाषाण काल में हुआ था, पूरा पाषाण काल में। ठीक है, पहिए का आविष्कार, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, और सबसे पहले चावल जो है ना कहाँ पाया गया। ठीक है, ऑप्शन भी आपको ऐसे दे दिए जाएंगे, कोल्डिहवा हो गए, मेहरगढ़ हो गए, ऐसी ऐसी जगह। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मैंने आपको ऊपर बताया अच्छे से और बड़े ही डिटेल में। ठीक है, सबसे पहले बनाए जाने वाला औजार कौन सा था, कुल्हाड़ी था। सबसे पहले पालतू पशु कौन था, कुत्ता था। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। ठीक है, कृषि के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले, मेहरगढ़ से मिले। कोल्डिहवा से आपको चावल के साक्ष्य मिले। ठीक है, जो फुट जी थे, रॉबर्ट ब्रूस फुट, इन्होंने जो है ना 1863 ईस्वी में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की, इसे याद रखने वाली चीज़ है, इसे याद रखिएगा। और शिवालिक श्रेणियों में सबसे पहले जीवाश्म मिले, और जो है ना नर्मदा नदी घाटी में सबसे पहले मनुष्य संबंधी जीवाश्म मिले। ठीक है, तो ये बात रही। तो इस वीडियो में इतना ही, अब अगला वीडियो सिंधु सभ्यता को लेकर आऊँगा और बड़े ही अच्छे ढंग से हम सिंधु सभ्यता को देखेंगे। फिर इसके बाद क्रमशः वैदिक सभ्यता वगैरह आगे चलते चलेंगे, और ये हम लूसेंट के पेज नंबर 3 पर चल रहे हैं अभी। ठीक है, और ये वीडियो जो है ना अपने दोस्तों यारों मित्रों सबके साथ शेयर करो और बड़े ही अच्छे से पढ़ो, और एक बार इसे पढ़ने के बाद किताब जरूर पढ़ लेना। ठीक है, और करीब करीब जब 2-3 महीने हो जाएं तो एक बार फिर से ये वीडियो देखो, ताकि आपको सारी चीज़ें रिफ्रेश हो, क्योंकि इंसान की ऐसी बुद्धि होती है कि जो है ना कुछ दिनों बाद चीज़ों को भूलने लगते हैं। तो एक बार फिर कुछ दिनों बाद देख लेना, तो हमेशा के लिए परमानेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली बार किसी नए टॉपिक के साथ में, किसी नए वैकेंसी के साथ में। तब तक के लिए वंदे मातरम।